संभाल के रखना चाहिए, एंड खास करके वो चीजें जिनके साथ हमारी कुछ यादें जुड़ी रहती है। तो क्या आपके पास भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका आप रीयूज करना चाहते हैं एंड उसको घर पर अच्छे तरीके से डेकोरेट करना चाहते हैं? तो आज का वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि मेरे पास जो मेटल ट्रंक है जो कि मेरी नानी का है, उसको आज हम ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। जी हाँ, कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करेंगे, पर उसके साथ जुड़ी हुई यादें हमेशा इंटैक्ट रहेगी। एंड आज के जो भी होम का मेकओवर होगा तो वो भी मैं शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप पुरानी चीजों को ट्रांसफॉर्म करके भी आपके घर को सजा सकते हैं। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। अब जब ठानी लिया है कि ये पुराने ट्रंक को मेकओवर करना है, तो चलो पूरा इसको लुक चेंज करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो पहले वाला वर्जन है वो देख लीजिएगा, थोड़ा सा जंग लगा है, तो कुछ कुछ जगह पर पेंट अच्छा खासा इंटैक्ट है, तो उसको कम्प्लीटली नहीं निकालेंगे, पर जहाँ पर भी जंग लगा है वो हम सैंड पेपर से अच्छे से घिस देंगे। सॉरी फॉर द वॉइस, मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठ गई है, बट फिर भी आपके लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा। तो जैसे कैसे मैंने थोड़े से घिस घिस के जहाँ पर भी जंग लगा था वो वहाँ से निकाल दिया, एंड उसके बाद इसको हम अच्छे से साफ करेंगे, क्योंकि जो भी गंदगी या मेल होगा वो हमें निकालने के बाद ही हमें जो मेन ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम स्टार्ट करेंगे। जब भी कोई पुरानी चीज़ जिसके साथ हमारी यादें जुड़ी रहती है ना, उसको कुछ मेकओवर करते करते ना दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं। आई होप आपके साथ भी ऐसा कभी तो हुआ होगा। अब चलते हैं हमारे पेंटिंग प्रोसेस की तरफ। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ ऑयल पेंट, बट उसके लिए मेरे पास नहीं था वो रोलर वाला ट्रे, जो कचरा बनने वाली सुपली रहती है उसको मैंने कवर कर दिया एक प्लास्टिक रैप में, एंड उसको रबर बैंड लगा दिया, एंड हमारा ये वाला ऑयल पेंट के लिए ट्रे रेडी हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर एशियन पेंट के ऑयल पेंट्स यूज़ किए हैं। अगर आप आसानी से करना चाहते हैं तो स्प्रे पेंट यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे स्प्रे पेंट नहीं अवेलेबल हुआ जो मुझे शेड्स चाहिए थे, तो इस वजह से मैंने ये वाले ऑयल पेंट डब्बा लिया है। तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर एंड ब्लू एक शेड चूज़ किए हैं, एंड आगे भी आप देखोगे डिफरेंट शेड्स मैंने यूज़ किए हैं। तो पूरा इसको दो कोट मैंने लिया है। अब एक सिंगल कोट होने के बाद इसको 8 घंटा पूरा छोड़ देना है, एंड बाद में ही उसको दूसरा कोट लगाना है। तब तक आप अपना रोलर ब्रश को किसी थैली में डालकर भिगो के रख सकते हैं ताकि वो पूरा ड्राई ना हो जाए। अब इसको एज ए सेंटर टेबल की तरह हम यूज़ करने वाले हैं, तो उसको हाइट बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर वुडन लेग्स बनवा के लिए है। तो किसी भी कारपेंट्री शॉप में जाकर फर्नीचर वाले जो भैया रहते हैं उनको आप बोलोगे तो वो आपको इजीली बना के दे देंगे। मुझे ये सिर्फ 150 रुपये में 4 लेग्स बनवा के दे। जो वुडन लेग्स है उनको वुड टच से पूरा कोट कर दिया ताकि उनकी भी लाइफ अच्छे से बढ़ जाए, ताकि उसके ऊपर एक शाइन आ जाती है एंड उसकी लाइफ भी अच्छी खासी बढ़ जाती है। इसमें दीमक वगैरह लगने के कोई चांसेस नहीं रहते हैं। आपके पास भी वुडन फर्नीचर है तो ये वुड टच आप उसके ऊपर पॉलिश की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रंक अब मेटल ट्रंक का पूरा लुक चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पर वुडन मोल्डिंग स्ट्रिप्स का यूज़ किया है जो कि डिज़ाइन में आती है। तो कॉर्नर वाली स्ट्रिप्स एंड हाफ राउंड वाले स्ट्रिप, ऐसे 2 स्ट्रिप्स मैंने लिए हैं। तो ट्रंक की साइज़ के हिसाब से मैंने यहाँ पर जो स्ट्रिप्स है उसको कट करके ले लिया है। अब परेशानी ये थी कि इनको कॉर्नर्स में अच्छे तरीके से कट करना था, एक 45 एंगल पे बिना किसी हेल्प के कट करना थोड़ा सा मुश्किल हुआ, बट कोई नहीं, हमने उसका जुगाड़ कर लिया। अब इसको स्टिक करने के लिए मैंने अराइलाइट यूज़ किया है, उसमें 2 ट्यूब्स आती है उनको सेम पोर्शन में मिक्स करके लगाना था, बट उसको होल्ड करके रखना पड़ता है ताकि वो अच्छे से सूख जाए। तो मैंने क्या किया, हॉट ग्लू गन का भी इस्तेमाल किया ताकि जो अराइलाइट है जब तक वो पूरा सूखता नहीं है तब तक ये हॉट ग्लू गन उसको सही से उसी जगह पर पोजीशन पर टिका के रखेगी, तो ये पूरा अच्छे से मजबूती से बैठ जाएगा। तो चारों कॉर्नर्स में ऊपर मैंने कॉर्नर वाली ये मोल्डिंग स्ट्रिप्स यूज़ की है, एंड नीचे वाली साइड पर हाफ राउंड वाले स्ट्रिप्स को यूज़ किया है, जिससे एक अलग ही लुक बन जाता है हमारे मेटल ट्रंक का। अब बारी आती है जो वुडन लेग्स है उनको लगाने की।
तो मेरे पास थी ये मेरी बॉश की ड्रिलिंग मशीन, तो मैंने ड्रिल बिट से बॉटम में 4 होल को ड्रिल कर दिया एंड उसी के थ्रू स्क्रू एंड वॉशर की हेल्प से वो लेग्स को पूरा फिक्स कर दिया। हमें जो भी DIY बनाना है वो लाइफ लॉन्ग यूज़ करने के लिए बनाना है, तो ऐसा नहीं जुगाड़ कर दिया बट ये थोड़े दिनों बाद टूट जाएगा, तो हम इसको पूरा अच्छे से स्टर्डी बनाएंगे। अब इसको और खूबसूरती से एनहांस करने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्टेंसिल बनाई, तो स्टेंसिल मैंने मेरे क्रिकेट मेकर 3 में बनाई है जो कि बहुत खूबसूरती से टर्न आउट हुए है। तो ये हम कुछ इस तरीके से यूज़ करेंगे, मास्किंग टेप से पूरा टेम्पलेट को स्टेंसिल्स को आपको इस तरीके से लगाना है एंड ऑयल पेंट की हेल्प से ही स्पंज से डैप करके आपको ये पैटर्न क्रिएट करना है। तो पिकॉक वाला एक पैटर्न मैंने क्रिएट किया है एंड एक बॉर्डर वाला स्टेंसिल मैंने क्रिएट किया है जो 2 टेम्पलेट से उसी से हम पूरे ट्रंक को मेकओवर करेंगे। अब आपने नोटिस किया होगा तो वुडन जो स्ट्रिप्स थी एंड जो भी अटैचमेंट्स थी लाइक हैंडल वो उसको मैंने एशियन पेंट का गोल्डन ऑयल पेंट यूज़ किया है ताकि ब्यूटीफुल सा एंटी गोल्ड लुक लगे उसको एंड इसको अब हम और भी खूबसूरती से एनहांस करते जाएंगे। अब जो येलो वाली हमारी बॉर्डर डिज़ाइन है उसको और एनहांस करने के लिए मैंने ब्लू से उसको हाईलाइट किया है। अब सारी चीज़ें तो स्टेंसिल से नहीं हो पाती ना, कुछ हमारे हाथों का कमाल भी तो दिखाना है, तो पूरे बॉर्डर्स को मैंने अपने हाथों से उसको बनाया है। अब थोड़ी सी और कलाकारी दिखाने के लिए मेरे पास थे मिरर्स एंड कुछ बॉल चेन, तो उनकी हेल्प से मैंने कुछ इसको थोड़ी सी और खूबसूरती बढ़ा दी ताकि एक फेस्टिव लुक भी आ जाए एंड इसका लुक बहुत ही कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाए। अब वो बना तो रेडी हो गया बट ये वाली स्पेस को भी मेकओवर करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया कर्टन्स को चेंज करके, तो आपको तो पता ही है ये येलो वाले कर्टन्स मैं हमेशा यूज़ करती हूँ फेस्टिव लुक में, तो ये वाले साड़ी से बनाए हुए थे। उसके बाद लोअर सीटिंग, आई लव क्रिएटिंग अ लोअर सीटिंग फॉर द फेस्टिव सीजन एंड आप बहुत बार पूछते हैं कि ये पैलेट्स कहाँ से लिए है, तो ये मैंने बनवा के लिए थे, ये पैलेट्स मैंने बनवा के लिए है, आप किसी भी कारपेंटर से बनवा के ले सकते हैं, नहीं तो आपको इंडस्ट्रियल एरिया में ऐसे जो रफ वाले पैलेट्स होते हैं मटेरियल हैंडिंग के लिए यूज़ होते हैं वो भी आप ले सकते हैं। अब देखिए हमारा ये सेंटर टेबल एज अ स्टोरेज यूनिट भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें मैंने कुशन्स रखे हैं, जो भी चीज़ें आपको हमेशा लगने वाली है या आप कहीं पर भी हाइड नहीं कर सकते तो सेंटर टेबल में इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। ऊपर की तरफ फेस्टिव सीजन है तो उरली रखी है एंड इस तरीके से ये वाला स्पेस पूरा ट्रांसफॉर्म किया है। आई होप आपको पसंद आया पूरा ट्रांसफॉर्मेशन एंड ये ओल्ड मेटल ट्रंक जो मेरी नानी की है उसका लुक बहुत ही ब्यूटीफुल वे में टर्न आउट हुआ है, तो मुझे तो बहुत पसंद आया एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन करते करते बहुत सारी यादें जो जुड़ी थी उनके साथ वो भी याद आई। तो ऐसी कोई चीज़ें आपके घर पर भी है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन करके आप डेली यूज़ पर उस चीज़ों को यूज़ कीजिएगा ताकि आपकी यादें भी उसी के साथ इंटैक्ट रहेगी। आप भी इस तरीके से जो पुरानी चीज़ें हैं एंड जिनके साथ आपकी ढेर सारा लगाव है तो क्या उनको आप मेकओवर देना चाहोगे? अगर देना चाहते हो तो ज़रूर ये DIY ट्राई करना एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि दिवाली सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, ये हमारे दिवाली सीरीज का सेकेंड वीडियो था। अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर क्लिक करके देखो।